नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे 2 BHK हाउस प्लान जो कि डिजाइन किया गया है 30x34। टोटल जो स्क्वायर फीट एरिया है वो है आपका 1020 स्क्वायर फीट में ये 2 BHK हाउस प्लान बनाया गया है। और नॉर्थ फेस में इसका एंट्रेंस रहेगा, यानी कि मुख्य द्वार नॉर्थ फेस की तरफ है। बाहर का डिजाइन भी आप फ्रंट एलिवेशन देख सकते हैं। और इस प्लान की जो बिल्डिंग कॉस्ट है, आपको बता दूं मैं पहले कि अप्रोक्स 10 से 12 लाख के समथिंग इसकी बिल्डिंग कॉस्ट आएगी। यहाँ से आपका साइड व्यू रहेगा, एरियल व्यू इस प्लान का। यहाँ से फ्रंट एलिवेशन देख सकते हैं आप, डिजाइन किया गया है। और ये आपका लेफ्ट साइड का व्यू रहेगा। आगे ही आपको इसमें सबसे पहले एंटर करने के बाद ये सेक्शन आपको मिलेगा पार्किंग का। और यहाँ पे जो विंडो दिख रही है वहाँ पे रहेगा आपका ड्राइंग रूम का सेक्शन। और एक ये ओपन बालकनी टाइप में दिया गया है यहाँ पर, इसमें एक विंडो है आपका। ये विंडो है किचन के सेक्शन का, जो कि वेंटिलेशन के लिए इस बालकनी में ओपन होगा। तो आइए इसका पहले सबसे पहले प्लान देख लेते हैं एक बार फ्रंट एलिवेशन के बाद। तो यहाँ से चलते हैं अंदर की तरफ। तो सबसे पहले ये मिलेगा आपको एंट्रेंस के बाद पार्किंग का सेक्शन। यहाँ पे 4-व्हीलर एक रखी गई है, तो इससे आसानी समझ सकते हैं कि आप यहाँ पर 4-व्हीलर पार्किंग आसानी से हो सकती है। इसका जो डिस्टेंस एरिया रहेगा वो 13 फीट बाई 9 फीट का ये डिस्टेंस है आपका इस पार्किंग के एरिया का। लंबाई और चौड़ाई का सेक्शन रहेगा। इसके बाद हम चलेंगे यहाँ से अंदर की तरफ, ये सेक्शन मिल जाएगा आपको। उसी के बाद बेडरूम का सेक्शन, सॉरी ड्राइंग रूम का सेक्शन, ड्राइंग रूम या लिविंग सेक्शन बोल सकते हैं आप इसको। एक बार टॉप व्यू से देखते हैं इसको। ये सेक्शन रहेगा आपका साइड में, ये वाला ये सेक्शन रहेगा ड्राइंग रूम का सेक्शन। और इसका जो एरिया है आपका वो है 12 फीट बाई 9 फीट, कुल मिलाकर 12 फीट का जो है वो चौड़ाई का सेक्शन रहेगा। और 8 फीट में लंबाई का सेक्शन दिया गया है, 9 फीट में लंबाई का सेक्शन है। अंदर का इंटीरियर देख सकते हैं, सामने एक वॉल पे टीवी माउंटेड किया गया है और एक इधर वॉच है, बीच में सोफा और टेबल। यहाँ पे एक विंडो है जो कि मेन रोड पे ओपन होगा, उसको कर्टन से कवर किया गया है। और साइड में भी आपका एक डोर यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, यहाँ से ये डोर खुलेगा आपका अंदर बालकनी के सेक्शन में। बाहर बालकनी में वापस चलेंगे यहाँ से अंदर की तरफ। तो एक बार टॉप व्यू से अंदर की तरफ चलते हैं। यहाँ से अंदर की तरफ चलेंगे तो ये सेक्शन आपको मिल जाएगा, लिविंग सेक्शन और डाइनिंग का सेक्शन मिल जाएगा यहाँ पे। डाइनिंग के लिए बीच में एक टेबल लगाई गई है वहाँ पे। और वहीं से आगे चलेंगे लेफ्ट की साइड में, तो यहीं से आपको स्टेयर का आपका सेक्शन मिल जाएगा। ये सेक्शन आपका रहेगा स्टेयर का आपका सेक्शन, लेफ्ट साइड से स्टेयर का सेक्शन दिया गया है। और स्टेयर का जो लेंथ है वो आपका रहेगा ऑलमोस्ट 10 फीट का सेक्शन आ जाएगा स्टेयर का। यहाँ से एक बार टॉप व्यू से आप इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ये सेक्शन आपका स्टेयर का था इधर से लेफ्ट साइड में, और बीच में डाइनिंग का स्पेस आप देख रहे हैं। उसके बाद हम चलेंगे यहाँ से कि ड्राइंग रूम के बगल से जो किचन का सेक्शन प्रोवाइड किया गया, ये सेक्शन यहाँ पे किचन फुली फर्निश्ड किचन का सेक्शन है। और किचन के एक सेक्शन पे इस साइड में वॉल पे विंडो दी गई है वेंटिलेशन के, जो मैंने आपको बताया था कि बाहर बालकनी पर ओपन होगा इस बालकनी में, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे किचन के सेक्शन से बाहर निकलेंगे, तो यहाँ पे एक फ्रिज रखा गया है, छोटा सा ओपन स्पेस है स्टोरेज के लिए, यहाँ पे एक फ्रिज रखा गया है। और फ्रिज के बगल से ही ये सेक्शन आपका आ जाएगा, यहाँ से फर्स्ट बेडरूम का सेक्शन। यहाँ से फर्स्ट बेडरूम में एंटर करेंगे तो बेडरूम का डिजाइन भी आप देख सकते हैं, एक बेड लगाया गया है, साइड में आपका एक फ्लोर लाइट लगाई गई है। और यहाँ से अंदर चलेंगे, एक विंडो दिया गया है, ये वाला गेट देखना है, यहाँ से गेट अंदर चलेंगे तो ये सेक्शन मिलेगा आपको अटैच लैट्रिन का सेक्शन, जो कि इस बेडरूम के साथ अटैच किया गया है। और इस बेडरूम का जो स्पेस है आपका वो रहेगा 11 फीट बाई 10 फीट का सेक्शन रहेगा। दीवारों पर भी आप देख सकते हैं एक पेंटिंग लगाई गई है, और उसके नीचे टीवी स्टैंड प्लस टीवी रखा गया है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा डिजाइन इस बेडरूम का है। इस बेडरूम से बाहर की तरफ चलेंगे हम एक बार, तो यहाँ पे एक लेट बाथ का सेक्शन आपका यहाँ रहेगा, ये आपका कॉमन लेट बाथ रहेगा, अटैच नहीं है रूम के साथ, इसे कोई भी यूज़ कर सकता है, कोई भी गेस्ट हो या कोई भी व्यक्ति जिसके रूम में अटैच लेट बाथ नहीं वो इसको यूज़ कर सकता है।
और इसके बाद इस रूम अटैच लेटवास से बाहर चलेंगे तो आपको ये मिल जाएगा सेकंड बेडरूम जो कि स्टेयर के पास में है, ये बेडरूम। यहाँ से अंदर चलेंगे सेकंड बेडरूम की तरफ तो सेकंड बेडरूम का डिज़ाइन भी उसी तरह डिज़ाइन किया गया है, वॉल पे पेंटिंग्स लगाई गई हैं। यहाँ पे आपका टीवी स्टैंड प्लस आपका बेड का सेक्शन और फ्लो लाइट के सेक्शन लगाए गए हैं। और लेफ्ट साइड में आपका एक कवर्ड भी रखा गया है स्टोरेज के पर्पस से। तो यहाँ से एक बार टॉप व्यू से देख लेते हैं, ये सेक्शन आपका पूरा इस तरह से डिज़ाइन किया गया है और इसमें ओपन वेंटिलेशन भी आपका ये यहाँ पे रहेगा। ये जो सेक्शन आप दो देख रहे हैं, इसका लेफ्ट में ये लेटवाथ का और राइट में भी लेटवाथ का, उसके बीच में आपका ये ओपन वेंटिलेशन रहेगा जो कि इस रूम के लिए और दोनों लेटवाथ के लिए एक प्रॉपर लाइटिंग और वेंटिलेशन का काम करेगा। तो ये आपका फ्रंट व्यू से देखेंगे इस टाइप का दिखेगा कुछ प्लान आपका। और ये होता है आपका 10x30x34 में 1020 स्क्वायर फीट में ये डिज़ाइन किया गया है। ऐसा और कोई प्लान आप बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।